कर रहा हूँ। तो भाइयों आप जो है, मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी जो मिनोक्सिडिल को एक साथ अप्लाई ना करें, क्योंकि आप एक साथ अप्लाई करते हैं तो इसमें चांसेस हैं कि आप थोड़ा मिनोक्सिडिल को वेस्ट कर लो या एक ही जगह पर ज़्यादा मिनोक्सिडिल लग जाए, तो ये सब गलती होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा। तो मैं ये क्या करता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा 0.5 ml लेता हूँ ड्रॉपर में, थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है, मैं पहले मिनोक्सिडिल जो है 2 ml अप्लाई करता था, लेकिन अभी मैं जो 1 ml अप्लाई करता हूँ नाइट में, तो ये भी मैंने जो थोड़ा 0.5 ml भरा है। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप जो है यहाँ पे जो है अपनी रिसीडिंग हेयरलाइन में जो है अप्लाई कर रहा हूँ। गाइस मैं पूरी स्कैल्प पे जो अपनी पूरी स्कैल्प पे मिनोक्सिडिल को नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे जो हेयरफॉल जो होता है वो जो है रिसीडिंग हेयरलाइन एरिया में ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे जो जेनेटिक भी थोड़ी यहीं रिसीडिंग हेयरलाइन में ज़्यादा जो है ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। पता नहीं कि मैंने नोटिस किया है, मेरी जो हेयरलाइन एरिया पे ही जो हेयरफॉल होता है, तो मैं सिर्फ अपने हेयरलाइन एरिया पे जो है मिनोक्सिडिल को अप्लाई करता हूँ। अगर आपको